आज हम बनाने वाले हैं बची हुई चावलों की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। तो ये इतना टेस्टी होता है कि आप जानबूझकर थोड़े चावल बचाएंगे इसके लिए। तो ये दोपहर का एक कटोरा राइस बच गया था, तो इसे मैं शाम के टाइम बना रही हूँ। आपके पास जितने राइस बचे हों उसके बना लीजिए। इसे अच्छे से हाथों से ऐसे मसल लेंगे या फिर मिक्सी जार में एक बार इसे चला लें। हाथों से मसलने में ये थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन मिक्सी जार में ये बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह से हमें रेडी कर लेना है। हमें इसमें ऐड करने हैं अपनी पसंद की सब्जियाँ। तो इन सब्जियों में मैंने टमाटर लिया है, टमाटर इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देता है, तो इसे आप ज़रूर डालें। और यदि प्याज खाते हैं तो प्याज भी ले लें। इसके अलावा आप अपनी पसंद की कोई सी भी सब्जी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया है गाजर, कैप्सिकम, बीन्स, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में ग्रेट कर लिया है। तो इस तरह से सब्जियाँ ले लें। ये जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो शाम के खाने के लिए एकदम परफेक्ट है, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि हमने बहुत सारी सब्जियों का भी इसमें यूज़ किया है, तो वो बाहर के खाने से बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब हम इसमें थोड़े मसाले ऐड करेंगे। ये आधा चम्मच में डाल रही हूँ जीरा और काली मिर्च का भुना हुआ पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। यदि छोटे बच्चे के लिए बना रहे तो आप इसे स्किप कर दें। कच्चे मसाले में हम लेंगे थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया हुआ और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लें। अब इन चावलों और सब्जियों की बाइंडिंग के लिए हम लेंगे ब्रेड्स। तो ये ब्रेड्स का मैंने किनारा कट कर लिया है, आप चाहें तो बिना कट किए हुए भी इसे यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये देखने में बहुत अच्छा लगे इसके लिए मैंने किनारे कट किए हैं। और इस तरह से पानी में डिप करके इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो मैंने इसमें 3 ब्रेड्स लिए हैं, आप अपनी चावल की क्वांटिटी के हिसाब से ब्रेड बढ़ाया कमा दें। तो इस तरह से हम सारे ब्रेड्स को ऐसे ही नरम कर लेंगे। यदि आपके पास ब्रेड ना हो तो इसकी जगह पे आप सूजी का भी प्रयोग कर सकते हैं। सूजी को 10-15 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दें, उसमें भी एक्स्ट्रा पानी को हटा देंगे। तो इस प्रकार से हम अपने सारे ब्रेड्स को ले लेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने अभी नमक नहीं डाला हुआ है, फाइनल क्वांटिटी देख के उसके हिसाब से नमक डालेंगे। तो इस प्रकार से अच्छे से इसे मिक्स कर लें और देख लें बाइंडिंग अच्छी बन रही हो तो ठीक है, नहीं तो आप और एक दो ब्रेड ले सकते हैं। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लें। और इसे चटपटा टेस्ट देने के लिए मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला। यदि आपके पास चाट मसाला है तो चाट मसाला डालें, नहीं तो उसकी जगह थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। ये मैंने चाट मसाला लिया है। यदि आप ज़्यादा चटपटा नहीं खाते हो तो इन दोनों को ही स्किप कर दें। वैसे ही ये सब्जियाँ और मसाले ऐसे ही बहुत टेस्टी लगती हैं। तो बस हमारा बैटर रेडी हो चुका है। ये बहुत ही कम सामान में, घर के ही सामान से बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो जाता है। और खाने में ये किसी को पता ही नहीं चलता कि ये राइस की बनी हुई इतनी स्वादिष्ट रेसिपी है। अब चलते हैं इसके फाइनल बनाने की प्रोसेस में। तो इसके लिए मैंने एक तवा लिया है, आप तवा या पैन कुछ भी ले सकते हैं। इसमें 1 छोटी चम्मच ऑयल लेंगे और ये जो हमारा रेडी किया हुआ बैटर है उसमें से 1 बड़ा गोला ले लेंगे। यदि आप बड़े बड़े पीसेस बनाना चाहें तो ज़्यादा बड़े गोले लें, और छोटे बनाना चाहें तो छोटे भी ले सकते हैं, ये अपनी चॉइस के हिसाब से ले लें। तो इस प्रकार से मैं बड़े बड़े बना रही हूँ। तो इसके गोलों को ऑयल के ऊपर देख के अच्छे से इसे हाथों से फैला लेंगे, धीरे धीरे फैलाएंगे। इसे फैलाते टाइम किनारों को इकट्ठा करते हुए फैलाएंगे, नहीं तो ये साइड में फटाफटा जैसा दिखता है। तो इस तरह से मैंने शेप दे दिया है और इसके साइड के शेप को अच्छा करने के लिए साइड से इसे हम इस तरह से शेप कर लेंगे। तो बस ये हो गया है, अब इसे हम पका लेंगे। इसके साइड्स में और इसके ऊपर थोड़ा ऑयल दे देंगे। इसे थोड़ा इस तरह से हिला लेंगे ताकि ये अपनी जगह छोड़े और ये चिपके नहीं तवे से। इसे मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। तो इस प्रकार से लगभग 1 मिनट हमारा हो चुका है, अब हम इसे पलट लेंगे। इसे हमें दोनों तरफ से बराबर ही पका लेना होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया हुआ है, ये देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। इसमें हमने जो सब्जियाँ डाली हैं और मसाले डाले हैं उससे इसका टेस्ट तो अच्छा होगा ही। तो इस प्रकार से हम सारे नाश्ते को रेडी कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, आप ज़रूर बनाइए और खाने में बहुत ज़्यादा आपको स्वादिष्ट लगेगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर दबा लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाए। जल्द ही मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद।